नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्राण, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राण हिंदी फिल्मों के एक प्रमुख चरित्र अभिनेता थे जो मुख्यतः अपने खलनायक की भूमिका के लिए जाने जाते थे। कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार तथा बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जीतने वाले इस भारतीय अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में 1940 से लेकर 1990 के दशक तक दमदार खलनायक और नायक की भूमिका निभाई। उन्होंने प्रारंभ में 1940 से लेकर 1947 तक हीरो के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने खलनायक की भूमिका में काम करना चालू किया। 1942 से लेकर 1951 तक ये काम जारी रखा। उन्होंने 1948 से लेकर 2007 तक सहायक अभिनेता के तर्ज पर तमाम फिल्मों में काम किया। प्राण ने अपने करियर में लगभग 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने खानदान, जो कि 1942 में आई थी, पिलपिली साहेब 1954 में और हलाकू 1956 जैसी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय मधुमति 1958, जिस देश में गंगा बहती है 1960, उपकार 1967, शहीद 1965, आंसू बन गए फूल 1969, जॉनी मेरा नाम 1970, विक्टोरिया नंबर 203 1972, बेईमान 1972, जंजीर 1973, डॉन 1978 दुनिया 1984 फिल्मों के लिए जाना जाता है। प्राण ने अपने कैरियर के दौरान विभिन्न पुरस्कार और सम्मान अपने नाम किए। उन्होंने 1967, 1969 और 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार जीता। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें सन 2000 में स्टार डस्ट द्वारा मिलेनियम के खलनायक का पुरस्कार दिया गया। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में CNN की सर्वश्रेष्ठ 25 सर्वकालीन एशियाई अभिनेताओं में प्राण जी को चुना गया। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए प्राण ने सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण श्रीकंत एक सरकारी ठेकेदार थे जो आम तौर पर सड़क और पुल का निर्माण करते थे। देहरादून के पास कलसी पुल उनका ही बनाया हुआ है। अपने काम के सिलसिले में इधर उधर रहने वाले लाला केवल कृष्ण के बेटे प्राण की शिक्षा कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई। बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना करियर शुरू करने वाले प्राण को 1940 में यमला जट नामक फिल्म में पहली बार काम करने का अवसर मिला। उसके बाद तो प्राण ने फिर पलटकर नहीं देखा। यहां दोस्तों, ये फिल्म मिलने के भी एक अजीब वाक्य है। इन्हें पान की दुकान में ही ये काम मिल गया था। पान की दुकान में किसी काम से जा रहे थे और वहां एक प्रोड्यूसर ने उन्हें देख लिया और इस तरह इन्हें पहली फिल्म मिल ली। 1945 में शुक्ला से विवाह प्राण ने किया। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद बेटे अरविंद, सुनील और बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गए। उनके परिवार में 5 पोते पोतियां और 2 परपोते भी शामिल है। खेल के प्रति प्राण का प्रेम जग जाहिर है। 50 के दशक में उनकी अपनी फुटबॉल टीम हुआ करती थी जिसका नाम था डायनामोस फुटबॉल क्लब। बहुत चर्चित था दोस्तों ये उस जमाने में। इस महान कलाकार ने 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी जन्म की तारीख
और मृत्यु की तारीख 12 थी। दोस्तों प्राण के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। प्राण जी का जन्म हुआ 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 12 जुलाई 2013 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इन्होंने 1940 से लेकर 2007 तक लगातार फिल्मों में काम किया। इनकी पत्नी का नाम है शुक्ला सिकंद अहलूवालिया। इनके बच्चों के नाम है अरविंद सिकंद, सुनील सिकंद और पिंकी सिकंद। दोस्तों प्राण जी के बारे में कुछ खास जानकारी। प्राण अपने बुरे किरदार को इतना डूब कर निभाते थे कि बरसों तक किसी मां ने अपने बेटे का नाम प्राण रखना पसंद नहीं किया। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण अपनी मां के लाडले थे क्योंकि उनके पिता सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, अक्सर दौरे पर रहते थे। प्राण का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा लेकिन उन्होंने ये ठान ली कि वो कुछ खास करना चाहते हैं। मैट्रिक के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। युवा अवस्था में प्राण ने अपने फोटोग्राफी के शौक के कारण दिल्ली और शिमला के एक स्टूडियो में नौकरी की और फिर लाहौर चले गए। छठी क्लास से ही उन्हें सिगरेट पीने का चस्का लग गया था। सिगरेट उनका पहला प्यार था। सिगरेट का यह शौक उनकी फिल्म लाइन में प्रवेश का द्वार साबित हुआ। पान की दुकान पर सिगरेट लेने गए प्राण की मुलाकात पटकथा लेखक मोहम्मद वली से हुई। प्राण को देखते ही वली को लगा कि उन्हें अपनी लिखी कहानी का एक चरित्र मिल गया है। वली के कहने पर ही प्राण ने पंजाबी फिल्म जट यमला में अपने करियर की शुरुआत की। वली मोहम्मद वली ताउम्र प्राण ने अपना गुरु और पथ प्रदर्शक माना। यमला जट फिल्म के काम के बदले उन्हें 50 रुपए प्रति माह मिलते थे। दोस्तों अब इनके कुछ खास फिल्मों के नाम बता देता हूँ। सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है तो मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बता देता हूँ। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम 2002 में आया तुम जियो हजारों साल, 1999 में आया जय हिंद, 1998 में आया बदमाश, 1997 में आया गुड़िया, 1996 में आया तेरे मेरे सपने, 1995 में साजन की बाहों में, 1994 में भाग्यवान, 1993 में 1942 ए लव स्टोरी, 1993 में गुरुदेव चंद्रमुखी आजा मेरी जान, 1992 में आया पनाह, बेवफा से वफा माशूक, सनम बेवफा 1991 में आई, लक्ष्मण रेखा 1991 में आई, 1990 में आई रोटी की कीमत, 1988 में आई पाप की गुड़िया, 1988 में आई शेरनी, धर्मयुद्ध, कसम, औरत तेरी यही कहानी, हिफाजत, कुदरत का कानून, ईमानदार, मुकद्दर का फैसला, जीवा बेटा, सिंहासन, दिलवाला, पाताल भैरवी, कर्म युद्ध, मां कसम युद्ध, होशियार, सरफरोश 1995 में आई, राज तिलक 1994 में आई, राजा और रानी, मेरा फैसला, जागीर, शराबी, नास्तिक, अंधा कानून, दौलत के दुश्मन, सौतन, नौकर बीवी का तलाक, जानवर, खुदा कसम, क्रोधी, कालिया, लेडीज टेलर, खून का रिश्ता, मान गए उस्ताद, नसीब, वक्त की दीवार, जालिम, जल महल 1980 में आई, कर्ज 1980 में आई, ज्वालामुखी 1980 में आई, डॉन 1978 में आई, 1978 में विश्वनाथ, गंगा की सौगंध, देश परदेश, चक्के पे चक्का, धर्मवीर 1977 में आई, सन्यासी 1975 में आई, मजबूर 1974 में आई, जंजीर 1973 में आई, विक्टोरिया नंबर 203 1972 में आई, जंगल में मंगल 1972 में आई, रूप तेरा मस्ताना 1972 में आई, ज्वाला 1971 में आई, आदमी 1978 में आई, मिलन 1967 में आई, अराउंड द वर्ल्ड 1967 में आई, राम और श्याम 1967, दो बदन 1966, गुमनाम 1965, शहीद 1965, दिल ही तो है मेरे महबूब, ढूला 1962, जिस देश में गंगा बहती है 1960, छलिया 1960, आशा 1957, अवधीप 1958, मधुमती 1958, आजाद 1955, 1955 मुनीम जी, 1955 कुंदन, 1954 लकीरे, 1953 आह, 1951 बहार, 1951 अफसाना, 1950 शीशमहल, 1948 जिद्दी, नामांकन और पुरस्कार, 1973 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, 1970 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, 1968 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। प्राण सिकंद को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।